बटे न्यूमेरिकल 8.1। अब क्योंकि हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टडी कर लिया है तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी अब हम कर सकते हैं। पहला है हमारे पास, ए स्ट्रक्चरल स्टील रोड हैज ए रेडियस ऑफ 10 मिलीमीटर। इसमें कई बातें ध्यान रखने वाली है बटे। नंबर एक बात तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए। स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में जो दिया हुआ है लिख लेना है। कोशिश करें कि यूनिट्स को एक ही सिस्टम में कन्वर्ट कर लें, जैसे कि सुपोज सभी को ऐसा ही सिस्टम में हम कन्वर्ट कर लें। फिर जो फाइंड आउट करना है उसका फार्मूला लिखें और वैल्यूज पुट कर दें, आंसर आ जाए। तो आपको दे रखा है स्ट्रक्चरल स्टील रोड एज ए रेडियस ऑफ, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक रोड है और इसका इन्होंने रेडियस दे रखा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है आर, ये कितना दिया हुआ बेटे इन्होंने 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर तो मिली की जगह क्या लगा दें, -3, 10^-3, तो ये मीटर बन गया। तो आर बराबर क्या आ गया बेटे, 10^-2 मीटर। कोई दिक्कत? एंड ए लेंथ ऑफ 1 मीटर। इस रोड का लेंथ इन्होंने कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। ए 100 kN फोर्स स्ट्रेचेस इट अलोंग इट्स लेंथ। मान लीजिए कि हम इसे यहाँ से एक फिक्स सपोर्ट से बंद कर देते हैं और यहाँ से एक फोर्स लगाते हैं, और फोर्स हम कितना लगा रहे हैं बेटे, 100 kN। किलो की जगह 10^3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? तो फोर्स कितना बन गया बेटे, 10^5 न्यूटन। अब आगे क्या कह रहे हैं ये, कैलकुलेट स्ट्रेस। क्या क्या पता करना है हमने, स्ट्रेस पता करना है। नंबर दो इन्होंने बोला है एलोंगेशन पता कीजिए, यानी ये जो रोड दिया हुआ है इसमें एलोंगेशन कितना होगा। एंड नंबर थ्री, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द रोड। ये तीन बातें हमें यहां से पता करनी है। क्लियर हुआ बेटे? तो देखो, नंबर एक बात तो जब हम ये फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, ये जो लेंथ है इसकी कुछ चेंज हो जाएगी। सपोज करते हैं ये हमारे पास इस रोड की नई लेंथ आ गई, ठीक है। जब इसकी लेंथ बढ़ेगी तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा। देखो अभी हमें जब हम इसको फोर्स लगाएंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा बेटे, कम हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या पता करना है, सबसे पहले स्ट्रेस पता करना है। तो स्ट्रेस क्या होता है बेटे, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स कितना दिया हुआ है, 10^5। एरिया देखो बेटे, ये सर्कल शेप में है तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू 10^5, पाई की 3.14, आर आर दिया हुआ बेटे 10^-2 मीटर। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10^-4 मीटर। क्लियर हुई ना बात, किसी बच्चे को ये तो नहीं लग रहा ना, -2 का स्क्वायर +4 होना चाहिए। लग रहा है तो बता दो अभी, ठीक है। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है बेटे, तो -2 × 2 -4 आ जाएगा। ये -4 को आप ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा भाई, 5 और 4 पावर कितनी होगी, 9। 1/3.14। यहां मैं अगर पावर 8 कर दूं तो इधर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना। 10 को 3.14 से डिवाइड कर दो तो ये लगभग 3.18 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 3.18। क्योंकि स्ट्रेस है तो इसका यूनिट आ जाएगा बेटे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, इजी है कि मुश्किल है? इजी है। अब हमने क्या बात करनी है, एलोंगेशन की बात करनी है। ये कह रहे हैं कि एलोंगेशन बताओ, यानी यहां पर ये जो लेंथ में चेंज आया है ये कितना है, डेल्टा एल। ये डेल्टा एल कैलकुलेट करना है। यंग्स मॉडुलस कितना होता है बेटे, यंग्स मॉडुलस कितना होता है, F/A / Δl/L। इज इट क्लियर? यहां से ये डेल्टा एल बाई एल इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, F/A (Young's modulus). तो यहां से डेल्टा एल आपने पता करना है तो ये आ जाएगा बेटे F/Ay (Multiplied by L). अब आपको सारी चीजें पता है, फोर्स कितना दिया हुआ है 10^5, लेंथ कितना 1 मीटर, एरिया वही पाई आर स्क्वायर 3.14, आर स्क्वायर की 10^-4 मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉडुलस। तो मटेरियल क्या दे रखा है, स्टील दे रखा है। स्टील का यंग्स मॉडुलस कितना होता है बेटे, 2×10^11। बस अब आपने ये कर देना है, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत है? ठीक है फिर। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसको गुणा कर लोगे ना, इसका आंसर मीटर में आ जाएगा। अब स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, तो स्ट्रेन क्या होता है बेटे,
स्ट्रेन होता है जी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस, क्योंकि यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेन लेफ्ट साइड में ले गए हम, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस आपके पास एफ बाय ए, इसको यंग्स मॉडुलस से भाग कर दो, सारा कुछ दे रखा है, फोर्स दे रखा है, एरिया दे रखा है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है, क्या आ जाएगा स्ट्रेन। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हो, स्ट्रेन का एक और फार्मूला होता है क्या, डेल्टा एल बाय एल, क्योंकि यहां लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ रहा है ना, तो क्या आ जाएगा डेल्टा एल बाय एल आ जाएगा। एल दे रखा है आपको 1 मीटर, एल कितना दिया हुआ है 1 मीटर, तो इसका मतलब स्ट्रेन उतना ही आएगा जितना डेल्टा एल है, डेल्टा एल आपने यहां पर निकाल लिया तो मैग्नीट्यूड में स्ट्रेन उतना ही आना है, बस क्या फर्क पड़ेगा, इधर डेल्टा एल का यूनिट था मीटर, इधर यूनिट लेस क्वांटिटी आ जाएगी, कोई डाउट है। तो स्ट्रेन आप इन दोनों फार्मूलों से निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, आंसर विल रिमेन सेम। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। ठीक है जी, 8.2 करो अपने आप।